तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो है पोटेशियम परमैंगनेट पर, जिसका फॉर्मूला होता है KMnO4। आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे KMnO4 को प्रिपेयर करा जाएगा और साथ में इसके केमिकल रिएक्शंस बाय सिंपल ट्रिक। गाइज, ये टॉपिक 12th बोर्ड के लिए, स्पेशली इसके केमिकल रिएक्शंस 12th बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, कैसे पोटेशियम परमैंगनेट बनाया जाता है, एग्जैक्टली ये कंपाउंड है क्या और कैसे अपना रिएक्शन करता है, ये सब हम सीखेंगे आज के इस वीडियो में। लेट्स बिगिन। दोस्तों KMnO4 एक ऑक्सोमेटेलिक सॉल्ट है, बिल्कुल K2CR2O7 की तरह होता है, लेकिन गाइज ये K2CR2O7 से ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि ये एसिडिक मीडियम के अलावा न्यूट्रल और एल्केलाइन मीडियम में भी ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है। दोस्तों KMnO4 जो कंपाउंड है ना, ये एक पर्पल कलर का कंपाउंड है। पहले तो आप सभी लोगों को ये बात अच्छी तरह याद कर लेनी है, ये एक पर्पल कलर कंपाउंड है। इस कंपाउंड में मैग्नीज प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, ये कंपाउंड प्रिपेयर होता है फ्रॉम पायरोल्यूसाइट ओर। रिमेंबर, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पायरोल्यूसाइट ओर। और पायरोल्यूसाइट से इसे कैसे बनाया जाता है, तो दोस्तों ये मैं आप लोगों को वन बाय वन सभी स्टेप्स कंप्लीट बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, कंप्लीट करना क्या है यहाँ पर, ये रिएक्शन एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। गाइज, यहां पर हमारे पास ये है पायरोल्यूसाइट। पायरोल्यूसाइट का फॉर्मूला MnO2 होता है। पहले तो हम पायरोल्यूसाइट को एल्केलाइन मीडियम में रिएक्ट कराते हैं, ऑक्सीडाइज कराते हैं, जिसकी वजह से पायरोल्यूसाइट देता है हमें कंपाउंड K2MnO4 और इस कंपाउंड का नाम है पोटेशियम मैग्नेट। और ये ग्रीन कलर का कंपाउंड है। अब दोस्तों ये पोटेशियम मैग्नेट तो मिल गया, लेकिन हमें तो चाहिए पोटेशियम का परमैंगनेट। परमैंगनेट बनाने के लिए करना ये है, ये फर्स्ट स्टेप थी। नाउ सेकंड स्टेप, पोटेशियम मैग्नेट को अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा देते हैं, एक्सेसिव क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन इस पोटेशियम मैग्नेट का ऑक्सीडेशन कर देगा। पोटेशियम मैग्नेट का जब ऑक्सीडेशन करेगा तो बेसिकली हमारे पास 4 पोटेशियम 2 क्लोरीन के साथ बना देंगे 2 KCl, और अब हमारे पास बच रहा है 2 पोटेशियम Mn बच रहा है और ऑक्सीजन बच रहा है, और ये कंपाउंड बन गया पोटेशियम परमैंगनेट। और ये परमैंगनेट एक पर्पल कलर का कंपाउंड है। तो दोस्तों इस तरह से हमारे पास एक ग्रीन कलर का कंपाउंड, ये ग्रीन कलर का कंपाउंड ऑक्सीडाइज होकर पर्पल कलर के कंपाउंड में कन्वर्ट होगा। इसका एक और मेथड है, और ये मेथड सेकंड वाला काफी स्पेशल है। पोटेशियम मैग्नेट का सल्यूशन अगर हम इलेक्ट्रोलाइज कर लें, उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कर लें, तो दोस्तों इलेक्ट्रोलाइसिस पर इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और जब ऑक्सीडेशन होता है तो फिर से हमारे पास 4 पोटेशियम है। 4 में से 2 पोटेशियम यहाँ के दोनों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर बना देंगे 2 पोटेशियम विद 2 ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गिव्स 2 KOH, और फाइनली हमारे पास बच रहा है 2 यूनिट ऑफ KMnO4 पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम परमैंगनेट, एक पर्पल कलर का कंपाउंड। और दोस्तों इस कंपाउंड में ये जो पोटेशियम मैग्नेट है, यहां मैग्नीज पे +6 चार्ज है, लेकिन पोटेशियम के परमैंगनेट पे मैग्नीज पे चार्ज है +7। तो गाइस, सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन जो है ना, इसकी प्रिपरेशन के रिएक्शंस की एक बार हमें इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। एंड रिमेंबर, कलर को याद रखना, कलर के बेसिस पर क्वेश्चन आता है हमारे टेस्ट बोर्ड में, कि हमारे पास एक मैंगनीज का मिनरल है जिसका फॉर्मूला है A। ये मैग्नीज का मिनरल डिनोट कर रहा है, ये KOH एल्केलाइन मीडियम में रिएक्ट कर एक ग्रीन कलर का कंपाउंड बना रहा है B। तो गाइस, ग्रीन कलर का कंपाउंड जो B है वो है एग्जैक्टली K2MnO4। और ये ग्रीन कलर का कंपाउंड जब ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये पर्पल कलर का कंपाउंड दे रहा है C। तो एग्जैक्टली C जो है वो पोटेशियम परमैंगनेट है। हमें ऐसे क्वेश्चन में A, B, C को आइडेंटिफाई करना होता है। तो दोस्तों आपके सामने A, B, C ये तीनों चीज है, आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर लेना अपनी कॉपी में, और इस टॉपिक को भी नोट करो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। तो गाइस, KMnO4 की प्रिपरेशन पे एक क्वेश्चन A, B, C वाला जो है वो नोट करके उसको भी आंसर फ्रेम कर लो यार उसका।
अब हम आते हैं यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, जिसे हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो दोस्तों केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग KMnO4 की पढ़ रहे हैं एसिडिक मीडियम में। रिमेंबर, आगे न्यूट्रल और एल्केलाइन का कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। एसिडिक मीडियम में इसका जो फर्स्ट रिएक्शन है गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे 12th बोर्ड के अलावा। अगर हम IIT या NEET जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत स्पेशल है ये। क्वेश्चन में लिखा है कि हमें रिएक्शन करना है ऑक्सैलिक एसिड का विद KMnO4। तो दोस्तों अगर KMnO4 का ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्शन करना है तो एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन भी दे सकता है या कई बार आपको इस फॉर्मेट में दे सकता है, और करके लिखा हुआ है मैंने, जो क्वेश्चन बन सकता है हमारा कंप्लीट द इक्वेशन, और ये इक्वेशन लिखी हुई है। तो हमें साफ दिख रहा है कि यार ये MnO4 नेगेटिव है, मतलब ये मिला है KMnO4 से, H पॉजिटिव मतलब एसिडिक मीडियम, और C2O4, रिमेंबर दोस्तों C2O4 एग्जैक्टली ऑक्सैलेट आयन होता है। चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले K2Cr2O7 की तरह इसकी भी एक कॉमन इक्वेशन है, और कॉमन इक्वेशन क्या है आप लोग देख सकते हो। तो गाइज ये तो हो गई इसकी कॉमन इक्वेशन, जो हमें किसी भी रिएक्शन में अगर एसिडिक मीडियम का क्वेश्चन आता है तो हर रिएक्शन में ये इक्वेशन लिखनी है। इसे हम 2-3 times लिखेंगे तो हमें याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2:3 में लेना है KMnO4 H2SO4 को 2:3 में लेना है। अब गाइज क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि ऑक्सैलिक एसिड को मुझे रिएक्शन कराना था तो मुझे करना क्या है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ऑक्सैलिक एसिड ऐसे लिख सकते हो या इसे डायरेक्ट चाहो तो लिख सकते हो H2C2O4, जो आपको सही लगता है वैसे लिख दो। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आपको मैंने बताया था कि सेकंड स्टेप में कौन कौन से कंपाउंड पूछे जा सकते हैं। तो गाइस पहली स्टेप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमें याद हो जाएगी और ये कॉमन है, हर जगह लिखना है। सेकेंड स्टेप के लिए एक बार लास्ट वीडियो जरूर देखना। ऑक्सैलिक एसिड हमेशा जब हम इसे ऑक्सीडाइज करते हैं या किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिएक्ट कराते हैं तो उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नेसेंट ऑक्सीजन इससे रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके यहां पर बनाएगा क्या आप देख सकते हो, ये 2 hydrogen विद दिस ऑक्सीजन यहां पर कंबाइन होकर ये बना देंगे H2O। और दोस्तों ये H2O निकलने के बाद फाइनली हमारे पास बच रहा है C00, मतलब CO2, और ये भी CO2, तो बेसिकली हमारे पास बच रहा है 2 units ऑफ CO2। इस तरह ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सीडाइज हो चुका है और ऑक्सीडाइज होकर दे चुका है CO2, क्योंकि यहां इसके कार्बन पे चार्ज था +3 और यहां आ चुका है +4। दोस्तों अब हमें फाइनली इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, क्योंकि बिना ऐड करे हमारा काम नहीं बनेगा। ऐड करने से पहले मैंने लास्ट वीडियो में बताया था नेसेंट ऑक्सीजन बराबर होना चाहिए, नीचे नेसेंट ऑक्सीजन 1 है और ऊपर 5 है, तो नीचे वाली कंप्लीट इक्वेशन में मुझे 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और फाइनली गाइस जब मैं 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, एक ऊपर और एक नीचे का लिखता हूं मैं, 2KMnO4 प्लस 5 ऑक्सैलिक एसिड प्लस 3H2SO4। ये 5 नेसेंट ऑक्सीजन, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 5 नेसेंट ऑक्सीजन एरो से पहले और ये 5 एरो के बाद कैंसिल हो जाएंगे, तो आगे बचेगा क्या हमारे पास, हमारे पास बच रहा है ऊपर से K2SO4 प्लस 2 5s are 10 CO2 प्लस 2 MnSO4 प्लस ऊपर 3H2O है दोस्तों, नीचे 5 है, टोटल हो गए हैं 8H2O। ये आ गई मॉलिकुलर इक्वेशन। मॉलिकुलर इक्वेशन तक हमारा काम बनता है अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन ऐसे दिया है थ्योरी फॉर्म में, लेकिन अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन आयोनिक फॉर्म में दे दिया तो मुझे आयोनिक इक्वेशन लिखना पड़ेगी, उसके बाद मैं जाकर इसे बैलेंस करके आंसर लिख सकता हूं। तो पहले आयोनिक इक्वेशन लिखते हैं गाइज। आयोनिक के लिए मैंने आपको बताया है कि पोटेशियम हटाना है, सोडियम पोटेशियम हटाना है, हाइड्रोजन भी हटाना है, लेकिन एसिड के अंदर से हाइड्रोजन को रखना है और उसके साइड वाले ग्रुप को हटाना। चलिए मैं बता रहा हूं, यहां मेरे पास पोटेशियम है, पहले तो 2 लिखा हुआ है तो मैंने 2 लिखा, K हटाया तो मेरे पास बच रहा है MnO4, मैंने K कितने हटाए, 4 1, तो इस पे चार्ज आएगा -1 +5, दोनों H हटा दूंगा तो बचेगा C00 negative बॉन्ड C00 negative प्लस 3 2s are 6 6H positive C00 negative बॉन्ड C00 negative, इसे हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं C2O4 -2
जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था। और फाइनली एरो के आगे क्या बच रहा है, K2SO4 पूरा हट जाएगा, बचेगा 10 CO2 प्लस 2 Mn। SO4 हटा दूंगा क्योंकि एसिड के साइड वाला ग्रुप है, तो SO4 हटेगा तो प्लस 2 प्लस 8 H2। तो दोस्तों इस तरह हमारी ये इक्वेशन बैलेंस होती है, और जब हम बैलेंस कर लेंगे आयनिक को तो हमारा आंसर हम लिखेंगे इस हिसाब से, MnO4 दिया हुआ है उससे पहले 2 आ जाएगा, ऑक्सैलेट आयन से पहले 5 आ जाएगा, और H पॉजिटिव से पहले 6 आ जाएगा। आगे का प्रोडक्ट भी ये हम देख सकते हैं क्या बन रहा है आगे, यहाँ पर आगे बन रहा है 10 CO2 प्लस उसके साथ क्या बच रहा है 2 Mn+2 प्लस उसके साथ बच रहा है 8 H2। तो दोस्तों ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। तो हमसे एग्जामिनर कैसे भी बोलेगा हमें कर लेना है, बस देखो यार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉमन इक्वेशन बहुत ईजी होती है, हम 2-3 बार लिखते हैं याद हो जाता है, ठीक है। सेकेंड वाली इक्वेशन में प्रॉब्लम आती है, तो गाइज इसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में, आप प्रॉपर एक बार वीडियो को एंड मोमेंट तक देखना, उसमें सब कुछ मेंशन करा है कि सेकेंड वाली इक्वेशंस कैसे हो सकती हैं। इनको ऐड करना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐड करने के लिए आपने नेसेंट ऑक्सीजन पहले बराबर करे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, उसके बाद आपने ऐड करा, और ऐड करके जब आयनिक बनाया, तो दोस्तों आयनिक बनाने के लिए मैं आपको फिर से मेंशन कर दूं, आयनिक बनाने के लिए सोडियम पोटेशियम हाइड्रोजन नॉर्मल कंपाउंड से हटाना, इनको हटा देंगे रिमूव कर देंगे, एसिड को सिर्फ H पॉजिटिव से डिनोट करेंगे जो भी एसिड है, और एसिड का रिमेनिंग ग्रुप साइड ग्रुप जो है वो हटा देंगे, चाहे LHS में हो या RHS में। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 12th बोर्ड IIT और नीट के लिए, आप नोट कर सकते हो। तो गाइज हम लोग आते हैं हमारे सेकंड रिएक्शन पर, और सेकंड रिएक्शन हम लोग देख सकते हैं इसमें साफ लिखा हुआ है कि हमें आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करना है, वी हैव टू कन्वर्ट आयोडाइड इनटू आयोडीन। तो गाइज आयोडाइड एग्जैक्टली होता क्या है, आयोडाइड में आयोडीन पे -1 चार्ज होता है, और हमें इसे कन्वर्ट करना है नॉर्मल आयोडीन दैट इज I2। ये हमें याद करना पड़ेगा, और अभी मैं इसके लिए और आपको सिंपल बता दूंगा। ये करना काहे से, KMnO4 से। एग्जामिनर डायरेक्ट हमें ऐसा क्वेश्चन दे सकता है या ऐसे दे सकता है कंप्लीट दिस इक्वेशन। तो दोस्तों दोनों को सेम मेथड से करना है, क्या करना है, सबसे पहले कॉमन इक्वेशन। तो कॉमन इक्वेशन क्या है हम लोगों की, गाइस ये तो हो गई हमारी एसिडिक मीडियम की कॉमन इक्वेशन। कॉमन इक्वेशन के बाद करना क्या है, करना है आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट। तो दोस्तों आयोडाइड मतलब ऐसा कोई कंपाउंड लो यार जिसमें आयोडीन पे -1 चार्ज हो। तो एक काम करता हूं मैं, ले लेता हूं पोटेशियम आयोडाइड, क्योंकि पोटेशियम आयोडाइड में पोटेशियम पे +1 चार्ज है और आयोडीन पे -1 चार्ज है। मुझे इस पोटेशियम आयोडाइड से कन्वर्ट करके बनाना है आयोडीन I2। तो गाइज ऐसा करने के लिए आप साफ देख सकते हो कि अगर आपको पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन बनाना है तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में भी आयोडीन 2 होना चाहिए। तो 2 करने के लिए मैंने 2 लगा दिया, ठीक है। फाइनली आयोडाइड अकेला नहीं लेते हैं, हमें आयोडाइड का लेना होता है सॉल्यूशन, तो साथ में H2O आएगा। फर्स्ट स्टेप से नेसेंट ऑक्सीजन निकला है तो वो नेसेंट ऑक्सीजन भी आएगा। दोस्तों अब हमारे पास बच क्या रहा है, हमने दोनों आयोडीन ले जाकर कन्वर्ट कर दिए, अब हमारे पास बच रहा है 2 पोटेशियम 2 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन। आप देख सकते हो 2 पोटेशियम 2 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन, तो इनको कंबाइन करके मैं बना देता हूं 2 यूनिट ऑफ KOH। तो ये तो हमारा यहां पर ये काम कंप्लीट हो गया। इस तरह हम लोगों ने करा ये कि आयोडाइड जो था हमारे पास, इस आयोडाइड को कन्वर्ट कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया आयोडीन में, क्योंकि यहां आयोडीन जो बना है ना, इसमें आयोडीन पे चार्ज है 0, पहले -1 था अब 0 हो गया, तो ऑक्सीडाइज हो गया। गाइज ये तो हमारी एक स्टेप हो गई है जो हमें याद कर लेनी है। फर्स्ट स्टेप को याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो कॉमन है, 1-2 बार लिखने में वैसे ही परफेक्ट हो जाएंगे। अब फाइनली हमें दोनों को ऐड करना है, तो दोस्तों मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोग वीडियो यहीं पॉज करो और एक बार ऐड करो। आई होप आप लोग पॉज करके इसे ऐड कर सकते हो, बट कैसे ऐड करना है
ऐड करने से पहले नेसेंट ऑक्सीजन बराबर होना जरूरी है। सेकंड वाली स्टेप में नेसेंट ऑक्सीजन मतलब 5 है, तो 5 का मल्टीप्लाई करा हम लोगों ने सेकंड स्टेप में, क्योंकि फर्स्ट में नेसेंट ऑक्सीजन 5 थे, सेकंड में भी तो 5 करना है यार, इसलिए मैंने 5 का मल्टीप्लाई करा। अब मैं ऐड कर देता हूं तो ये आ जाएगा 2KMnO4 प्लस 10Ki, क्योंकि गाइस 5 का मल्टीप्लाई करा है, फिर ऊपर से मिल रहा है 3H2SO4। राइट साइड आप देख सकते हो 3H2O है, और जब मैं 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो दोस्तों यहां 5H2 हो जाएंगे, मतलब ये वाले 3H2O कैंसिल हो जाएंगे, लेफ्ट साइड बचेंगे सिर्फ 2H2O, क्योंकि इधर 5 थे, 5 में से वो 3 गए, बचे 2। यहां लिखा है K2SO4 प्लस 5I2 प्लस 2MnSO4, और नीचे 2KOH है, जब 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएंगे 10KOH। और दोस्तों इस तरह ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। जब आप इसको आयनिक में कन्वर्ट करोगे तो आयनिक में K हटाते जाओ, कन्वर्ट होता जाएगा, तो ये आ जाएगा 2MnO4 नेगेटिव प्लस 10K, हटा दूंगा फिर से तो बचेगा आई नेगेटिव को आयोडाइड बोलते हैं। प्लस हम लोगों ने सीखा है कि एसिड को सिर्फ एच पॉजिटिव से लिखना है, तो कितने एच पॉजिटिव दिखेंगे, 3 2 6 एच पॉजिटिव प्लस 2H2O गिव्स के और SO4 सब हटा देंगे, बचेगा हमारे पास 5I2 प्लस 2MN, फिर से SO4 हटाऊंगा तो प्लस 2 प्लस 10KOH, अगेन के हटा देंगे तो बचेगा सिर्फ OH नेगेटिव। तो दोस्तों इस तरह हमारे पास ये रिएक्शन होता है कंप्लीट, और इस रिएक्शन को आप देखकर यहां आप लोग अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हो। तो गाइज इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसे प्रॉपर नोट करना, और हाँ प्रीवियस वीडियो यार जरूर देखना, क्योंकि उसमें भी मैंने मेथड बताए थे कि फेरस को फेरिक में कैसे कन्वर्ट करना है। आप लोगों को मैंने K2Cr2O7 से बताया था, आप KMnO4 में भी अप्लाई करो। पहले आप कॉमन इक्वेशन लिखो, फिर फेरस को कैसे फेरिक में कन्वर्ट करना सिखाया था वो इक्वेशन यहां पर इंप्लीमेंट करो, दोनों को ऐड करोगे तो मॉलिकुलर इक्वेशन आ जाएगी, फिर मॉलिकुलर से आयनिक। तो दोस्तों इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। गाइस ये हिंट हमारे लिए बहुत काम आने वाला है, इसमें करना क्या है हम लोग देख सकते हैं, इक्विवेलेंट मास निकाल रहे हैं हम लोग, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी स्पेशल है। सबसे पहले क्या है, एसिडिक मीडियम, देखो यार एसिडिक मीडियम में KMnO4 जिसे हम लोग MnO4 नेगेटिव लिख सकते हैं, आगे जाकर बनाता है Mn+2, दैट इज MnSO4। तो यहां इस पे चार्ज है +7 और यहां इस पर चार्ज है +2, तो इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा m मतलब इसका मोलर मास जो हमें गिवन रहेगा, मोलार मास डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो दोस्तों ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज आ रहा है, 7 से 2 तक जा रहा है, मतलब कितना यूनिट चेंज हो रहा है, 5 यूनिट, तो इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा m/5। वहीं अगर हम लोग इसका एल्कलाइन मीडियम अगर हम लोग देखें, तो एल्कलाइन मीडियम में MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट होता है और देता है MnO4-2, चार्ज +7 है, यहां चार्ज +6 है, तो गाइज इक्विवेलेंट मास हो जाएगा m/1, इसलिए क्योंकि नीचे हमें लाना है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर हम न्यूट्रल मीडियम देखते हैं तो दोस्तों न्यूट्रल मीडियम में MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट होकर बना देगा MnO2। तो गाइज यहां पर इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा चार्ज +7 और यहां है चार्ज +4, तो इक्विवेलेंट मास हो जाएगा m/3। ध्यान रखना गाइज ये चीज एल्कलाइन मीडियम में भी मिलती है, तो इसे न्यूट्रल प्लस एल्कलाइन दोनों के लिए हम कॉमन मान सकते हैं। अब ये जो चीज है ये हाईली एल्कलाइन मीडियम है, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम, तो दोस्तों ये थोड़ा सा एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अब एक लास्ट पॉइंट जो मैं आपको K2Cr2O7 के लिए भी बता दूं, K2Cr2O7 जिसे हम लिख सकते हैं Cr2O7-2, एसिडिक मीडियम में देता है Cr+3, चार्ज +3 है,
और यहां है चार्ज प्लस 6, तो दोनों क्रोमियम का मिलाएंगे तो प्लस 12, यहां दोनों का मिलाएंगे तो प्लस 6 होगा। तो गाइज इक्विवेलेंट मास क्या होगा, इक्विवेलेंट मास हो जाएगा m दैट इज मोलार मास डिवाइडेड बाय चेंज इन टोटल ऑक्सीडेशन नंबर। तो टोटल कितना चेंज आ रहा है, 12 से 6, कितने का चेंज आया, 6 का। तो दोस्तों ये पॉइंट भी आपके एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। ओके तो फाइनली यहां पर KMnO4 के सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट होते हैं। दोस्तों प्रैक्टिस जरूर करना यार, लास्ट वीडियो की और इस वीडियो की एक साथ प्रैक्टिस करना, क्योंकि दोनों वीडियो काफी हद तक रिलेटेड है। गाइज ये सभी कॉन्सेप्ट्स आपके बोर्ड एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन साथ में आपको प्रैक्टिस करते चलना है। जो चीजें हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ये आप प्रॉपर देखो और इसको देखकर पूरे तरह से आप इसको नोट कर लो, और साथ में आप प्रीवियस ईयर पेपर करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से हमें यूनिट में कैसा क्वेश्चन मिल सकता है वो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। गाइज जल्दी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके 12th बोर्ड के लिए उसे अपलोड करने वाले हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहें, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।